हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। तीन बड़े स्कूलों की शिक्षक वैकेंसी की बात करेंगे इस वीडियो में, जहां ऑल सब्जेक्ट सभी पोस्ट में वैकेंसी आई है। सैलरी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहां पर आप लोगों को दी जाएगी। कैसे अप्लाई करना रहेगा तो ये वीडियो में आपको देखना होगा, अंत तक वीडियो के बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। तीन अलग अलग जगहों की ही वैकेंसी है। सबसे पहले जो है देखें, कृष्णा एकेडमी से वैकेंसी है। कृष्णा एकेडमी जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, यहां से वैकेंसी है वाइस प्रिंसिपल की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, पीजीटी टीजीटी पीआरटी में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, ऑल सब्जेक्ट की। इसके अलावा पीटीआई की वैकेंसी है, तो यहां पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पीआरटी टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, किसी के लिए अब आप अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। पीटीआई के लिए जो है एमपीएड वाले अप्लाई करेंगे। किंडरगार्टन टीचर्स की जो वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएट के साथ में डीएलएड या एनटीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है सी टेट या फिर एस टेट, आपके राज्य का जो टेट है वो बिल्कुल भी नहीं मांगा गया है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई अनुभव मांगा गया है। फ्रेशर बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है यहाँ, ग्रेजुएशन के साथ में जो है गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री ऐसा कुछ नहीं मांगा है कंप्यूटर का, बस नॉलेज होनी चाहिए, तो बेसिक नॉलेज यहाँ चलेगी। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में अनुभव के साथ में यहाँ मांगी गई है। टीचर्स की जो वैकेंसी है उसमें कोई भी अनुभव, कोई भी सी टेट या फिर एस टेट कुछ भी नहीं मांगा गया है। सैलरी एज पर 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहां पर दी जाएगी। श्री कृष्णा एकेडमी जो है कहाँ है, तो AL1 सेक्टर 7 GIDA गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है। यदि आप अप्लाई करना चाहेंगे तो यहां पर आप लोगों को अपना CV, अपना बायोडाटा या रिज्यूम जो है आप लोगों को फुल साइज फोटो के साथ में इस ईमेल एड्रेस पर जो है आप लोगों को भेजना है, बस इतना ही करना है। सेकंड जो वैकेंसी देखें, काफी अच्छे स्कूल हैं, कृष्णा एकेडमी और सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो काफी बड़ा स्कूल है। प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जिसमें 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। टीचर्स की हम देख लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में इंग्लिश, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी में इंग्लिश, सोशल साइंस की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, स्पोर्ट्स कोच में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड टेबल टेनिस की, एक्टिविटी टीचर्स में डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है। यहाँ पर जो है कैसे अप्लाई करना है, सेंट जेवियर जो स्कूल है कहाँ है, तो कन्नौज में है ये स्कूल, कन्नौज से है ये वैकेंसी, पुलिस लाइन रोड कन्नौज। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू स्पेसिफाई द सब्जेक्ट एंड कैटेगरी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोगों को ये मेंशन जरूर करना है पीजीटी इंग्लिश। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर रिज्यूम, और आप लोगों को अपना रिज्यूम या बायोडाटा जो है इसी ईमेल पर भेजना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एज पर द नॉर्म्स ऑफ CBSE, तो बहुत सारे वीडियो जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के KVS के जो है मैंने बनाए हैं, जहां पर क्वालिफिकेशन जो है वो आप लोगों को बताई है कि पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री के साथ में बीएड मांगते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन के साथ में बीएड, और यहां पर जो CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है सी टेट पेपर 2 आपका पीजीटी के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर VPED वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है वैकेंसी है कन्नौज से। थर्ड वैकेंसी देखेंगे, ये जो वैकेंसी है नासिक से है, नासिक शहर, नासिक महाराष्ट्र में है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें केजी टीचर्स की 6 वैकेंसी हैं, प्राइमरी टीचर्स की 4 हैं, सेकेंडरी टीचर्स की 6 वैकेंसी है, सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया है, यानी कुल 6 वैकेंसी है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स से लैब असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैनेजर 4 वैकेंसी, स्केटिंग इंस्ट्रक्टर की 2 वैकेंसी है, ये संस्कृत है, संस्कृत टीचर्स की 4 वैकेंसी है, एडमिन मैनेजर की 2 वैकेंसी है। फॉर ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, इनकी भी वैकेंसी है, काफी अच्छी सैलरी देंगे। इसके अलावा जो
अदर बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल की सुविधा है, हो सकता है इन्होंने लिखा है कि एक्सीलेंट सैलरी विद ऑल बेनिफिट्स, रहने की यानी आवास की सुविधा भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस और फ्रेशर कैन अप्लाई, तो यहाँ पर अनुभवी जो है टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो फ्रेशर हैं बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ाया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव डन देयर स्कूलिंग विद द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज इंग्लिश, बस इन्होंने कहा है कि इंग्लिश मीडियम में आप पढ़े होने चाहिए। तो यहाँ पर भी जो आप लोगों को मेल करना होगा, अगर नासिक स्कूल में आप पढ़ाने के इच्छुक हैं, school@rediffmail.com, सेल नंबर भी दिया गया है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये देख लें आप, तीनों वैकेंसी नासिक सिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, केवल इंग्लिश मीडियम पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कृष्णा एकेडमी जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, तो इसमें जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप जिस भी मीडियम से पढ़े हैं बिल्कुल अप्लाई करें, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिना अनुभव के जो है आप लोग यहाँ पढ़ा सकते हैं श्री कृष्णा एकेडमी में। सेंट जेवियर स्कूल में भी जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ये वैकेंसी जो है वो कन्नौज की है, ठीक है। तो तीनों ही जो है बहुत अच्छे स्कूलों की वैकेंसी है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, बस रिज्यूम आप लोगों को मेल करना है सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, xaviersmanager@gmail.com, कृष्णा एकेडमी के लिए principal.skagkp@gmail.com, और नासिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए school@rediffmail.com। इस तरीके से जो है और भी राज्यों की वैकेंसी जैसे ही जारी होती है बिल्कुल आप लोगों तक सूचना पहुंचेगी। थैंक यू।